मैं डॉक्टर प्रदीप चौधरी, प्रवक्ता भौतिक विज्ञान, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय चित्तौड़गढ़। आज हम जो हमारी अप्लाइड फिजिक्स है, अनुप्रयुक्त भौतिकी विषय है, उसमें जो 102 कोड है, 102 कोड है, उसमें सैंपल पेपर की बात कर रहे हैं। देखिए, पॉलिटेक्निक परीक्षाएं जो आगामी होने वाली है, उनमें जो परीक्षा का पैटर्न है उसमें चेंज किया जा रहा है और ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न जो है वह भी पूछे जाएंगे। आज हम कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों की यहाँ पर एक्सरसाइज कर रहे हैं। पहला प्रश्न है, 0.001 वर्ग मीटर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले तार पर 1 न्यूटन का बल आरोपित किए जाने पर प्रतिबल होगा। स्ट्रेस निकालना है हमको एक वायर पर जिसका एरिया दे रखा है, क्रॉस सेक्शन एरिया 0.001 मीटर स्क्वायर एंड 1 न्यूटन फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट। देखिए, प्रतिबल या स्ट्रेस होता है फोर्स डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो फोर्स अपने पास है 1 न्यूटन, एरिया है 0.001, तो स्ट्रेस या प्रतिबल हो जाएगा 1/0.001 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और 1/0.001 को सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1000। तो इस प्रकार से अपना ऑप्शन जो है वो 1000 होगा। यूनिट ऑलरेडी आपको दे रखी है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो ये अपन यहाँ पर 1000 जो है उसको सही करेंगे। तो इस प्रकार से अपना ऑप्शन जो है वह सी होगा। अगला प्रश्न अपन लेते हैं, पॉइजन अनुपात के सीमांत मान है, लिमिटिंग वैल्यूज ऑफ पॉइजन रेशियो। देखिए, पॉइजन अनुपात सिग्मा जो है वह दो राशियों का अनुपात है, दोनों स्ट्रेन है, दोनों विकृतियां हैं, अनुप्रस्थ विकृति और अनुदैर्ध्य विकृति। सिग्मा बराबर होता है बीटा बाई एल्फा, अनुप्रस्थ विकृति और अनुदैर्ध्य विकृति का अनुपात। देखिए, इसके लिए जो दो सीमांत मान है वो उनके जो संबंध है हमारे, दो वाई इक्वल टू 3K × 1 − 2 सिग्मा एंड वाई इक्वल टू 2η × 1 + सिग्मा, इन दोनों से निकाले जाते हैं और वह मान होते हैं −1 and 0.5, −1 and 0.5। तो इस प्रकार से अपना जो बी ऑप्शन है वह सही होगा। अगला प्रश्न अपन लें, द्रव का शांतता गुणांक ताप बढ़ाने पर क्या होता है वो अपन देखें। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड। देखिए, ताप बढ़ाएंगे तो शांतता गुणांक जो है वो कम होगा। ठीक है, तो आंसर अपना होगा ए, घटता है, डिक्रीज। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी है वो कम होती है लिक्विड के केस में, गैस के केस में इसका उल्टा हो जाता है। अगला प्रश्न है, किसी श्यान माध्यम में नीचे गिर रहे गोले का अंतिम वेग, टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ ए स्फीयर फॉलिंग ऑन अ विस्कस मीडियम। गोले की त्रिज्या के समानुपाती, त्रिज्या के घन के समानुपाती, त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती, त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती। देखिए, किसी श्यान माध्यम में नीचे गिर रहे गोले का अंतिम वेग जो है उसका एक सूत्र है जो हम लोगों ने थ्योरी में देखा है, VT = 2/9 R² ρ − σ × g/η। तो यहां पर अपन देख सकते हैं कि जो वी टी है वह आर स्क्वायर के समानुपाती है, तो हमारा जो डी ऑप्शन है यहां पर यह सही होगा, गोले की त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती, प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर। अगला प्रश्न अपन देखें, पृथ्वी सतह के अत्यधिक निकट गति कर रहे उपग्रह का कक्षीय वेग, ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो उसके लिए देखिए, ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट मूविंग वेरी क्लोज टू द अर्थ सरफेस, तो इसके लिए अपने पास फॉर्मूला होता है V बराबर √gr। g की वैल्यू है आपके पास और r की वैल्यू भी है, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो उसकी वैल्यू अपने पास होती है, वो होती है 9.8 m/s² और कैपिटल R वो होता है 6.4 × 10⁶ m, जो कि पृथ्वी की त्रिज्या है, औसत त्रिज्या, एवरेज रेडियस हम कह देते हैं। तो इस प्रकार से अपन जब वैल्यूज को यहाँ पर रखेंगे तो जो ऑर्बिटल वेलोसिटी की वैल्यू आएगी किलोमीटर/सेकंड में वो होगी 7.92। तो ये अपना ऑप्शन सही होगा। हम ये कहेंगे कि जो सैटेलाइट अर्थ सरफेस के बहुत क्लोज मूव कर रहा है उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी 7.92 किलोमीटर पर सेकेंड होती है।
अगला जो प्रश्न है वो देखेंगे, अप्रगामी तरंगों में दो क्रमागत निष्पंदों के मध्य दूरी होती है। इन स्टेशनरी वेव डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नोड्स, देखिए अप्रगामी तरंग जो है उनमें निष्पंद और प्रस्पंद बनते हैं, नोड एंटी नोड बनते हैं, दो कंसेक्यूटिव नोड हो या दो कंसेक्यूटिव एंटी नोड हो तो उनके मध्य की जो दूरी है वह लैम्डा बाई टू होती है, तरंग दैर्ध्य की आधी, हाफ ऑफ वेवलेंथ। तो अपना जो ऑप्शन है वह सी वाला है, 0.5 लैम्डा, तो ये लैम्डा बाई टू कहलाएगा, इसलिए ये ऑप्शन अपना सही होगा। अगला प्रश्न अपन देखें, निम्न में से ऊष्मा का सुचालक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट। तो चार एग्जाम्पल अपने को दे रखे हैं, धातु, लकड़ी, ऊन और कांच, मेटल, वुड, वूल एंड ग्लास। तो यहां पर अपन देख सकते हैं लकड़ी, ऊन और कांच जो है ये तो ऊष्मा के कुचालक हैं। तो सुचालक जो है वो धातु होती है, मेटल होती है, जनरली जितने भी मेटल से दे ऑल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। तो इस प्रकार से मेटल जो है वह सही आंसर होगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं, दो आदर्श कृष्ण वस्तुओं का परम ताप क्रमशः टी और टू टी है, इनकी सतह से प्रति वर्ग मीटर प्रति सेकंड उत्सर्जित ऊष्मा निम्न अनुपात में होगी। दो ऑब्जेक्ट हैं, उनकी टेम्परेचर जो है एब्सोल्यूट टेम्परेचर टी एंड टू टी है, बोथ आर परफेक्ट ब्लैक बॉडी। तो अमाउंट ऑफ हीट इमिटेड पर यूनिट एरिया पर सेकंड चाहिए अपने को, ठीक है, इनका रेशियो चाहिए इनके लिए। तो यहाँ हम देखें, यहाँ पर अपने पास स्टीफन बोल्ट्जमैन का नियम है और उसके अनुसार आदर्श कृष्ण वस्तु की जो प्रति वर्ग मीटर पर क्रॉस सेक्शन एरिया पर यूनिट एरिया पर सेकंड जो अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड होती है वह होती है टेम्परेचर की पावर 4 के प्रोपोर्शनल, ई इक्वल टू सिग्मा टी 4, या यो कह दीजिए ई जो है वह टी की पावर 4 के प्रोपोर्शनल होती है। तो जब हम E1 अपॉन E2 निकालेंगे तो टी की पावर 4 अपॉन 2T की पावर 4 आएगा, बाकी कॉन्स्टेंट फैक्टर कैंसिल हो जाएंगे। तो इस प्रकार से बचेगा 1 अपॉन 2 की पावर 4, 1 की पावर 4 जो है वह भी 1 होगा लेकिन 2 की पावर 4 होगा 16। तो इस प्रकार से अपना ऑप्शन होगा 1:16। तो ये सी ऑप्शन जो है वह सही होगा। सी ऑप्शन जो है वह सही होगा, 1:16। तो इस प्रकार से ये प्रश्न अपन कर पाएंगे। अगला जो प्रश्न है वो देखिए, 0.01 कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य 10 जूल है, तो दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर होगा। देखिए 10 जूल वर्क इज टू बी डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 0.01 कूलाम फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। देखिए पोटेंशियल डिफरेंस की अपनी डेफिनेशन है, वर्क डन डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ चार्ज मूविंग। तो यहाँ पर विभवांतर की जो मूल परिभाषा है उस पर जाते हुए अपन बात करेंगे, तो V बराबर होगा W बाई क्यू। W की वैल्यू अपने को दे रखी है 10 जूल, Q दे रखा है 0.01, तो जाएगा 10/0.01 एंड 10/0.01 को जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1000। तो आंसर होगा A 1000 और यूनिट ऑलरेडी आपको दे रखी है वोल्ट। इस प्रकार से सही आंसर होगा वोल्ट, कितना 1000 वोल्ट। तो दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर जो है वो 1000 वोल्ट होगा। विभवांतर की जो मूल परिभाषा है उस पर अपन को काम में लेना है। अगला जो प्रश्न है वह है, धातुओं का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेजिस्टेंस ऑफ मेटल। देखिए मेटल की बात कर रहे हैं, तो यहां पर अपन बात करें तो जो धातु है उनके लिए ताप प्रतिरोध ताप गुणांक होता है अल्फा, वह पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध जो है वह बढ़ेगा। एक सामान्य सूत्र है RT=R0×1+αT। अल्फा पॉजिटिव है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो RT का मान बढ़ेगा R0 से, तो RT विल बी मोर देन R0। इसका मतलब ये हुआ कि ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ेगा। तो जो ऑप्शन सही होगा वह होगा हमारा बी, इंक्रीजेज, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेजिस्टेंस ऑफ मेटल इंक्रीजेज। लेकिन अगर यही चीज
अगर यही यही चीज जो है हमारी वो मेटल के बजाय कोई दूसरी सब्सटेंस होती जो कि नॉन मेटल्स होती हैं, सेमीकंडक्टर होती हैं, तो उनमें अल्फा नेगेटिव होता है और अल्फा नेगेटिव होने पर टेम्परेचर बढ़ाने पर उनका रेजिस्टेंस कम होता। लेकिन क्योंकि प्रश्न में मेटल के बारे में पूछा गया है तो आंसर जो है वो यही होगा कि टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ेगा, धातुओं का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ेगा। तो ऑप्शन जो है अपना वह बी सही होगा। इस प्रकार से आज अपन ने कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है इस सब्जेक्ट से संबंधित किए हैं। थैंक यू, धन्यवाद।